टू लॉन्ग टर्म शेयर्स, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो देखिए यहाँ पे लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आज हम बताएंगे आपको ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड कंपनी के बारे में। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है FMCG कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह तो हर घर में खाए जाते हैं इनके, जितने भी डिफरेंट तरीके के, चाहे न्यूट्री हो, चाहे टाइगर हो, चाहे बॉर्बन हो, चाहे 50-50 हो, ब्रिटानिया 50-50, तो परिचय का मोहताज नहीं है। हर घर में इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं और ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इसके। और ये आज़ादी के टाइम की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, आज़ादी से पहले की हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए गए, और हमारे आने वाली कई पीढ़ियां इनके प्रोडक्ट्स खाती रहेगी। तो नो डाउट इस पे आँख मूंद कर इस कंपनी पे आप भरोसा कर सकते हैं, ना तो कोई इनके प्रोडक्ट्स पे सवाल उठाता है और ना ही कोई इनके प्रोडक्ट्स को अवॉइड करता है। देखिए इतने अच्छे अच्छे गुड्डे हो, चाहे फन ट्रीट हो, क्रीम बिस्किट्स हो, और ब्रेड्स भी हैं, होल व्हीट ब्रेड्स हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स में चीज़ हैं, केक्स हैं, टोस्ट हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके। आइए हम देख लेते हैं। देखिए एक्सेलेंट कंपनी, एक्सेलेंट क्वालिटी कंपनी है, मैनेजमेंट रिस्क ग्रोथ कैपिटल स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे, और सेल्स ग्रोथ 9.84%, EBIT ग्रोथ है 24.06 की, और वैल्यूएशन देखिए एक्सपेंसिव पे है। यहाँ पे पी रेशियो इसका 65 की, FMCG की थोड़ी सी पी रेशियो ज़्यादा ही होती है। ROCE है 49.50 का, और ROE है इसका 29.78% का। तो देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंसिव कांटा दिख रहा है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो एक इन्फॉर्मेशन है। नो डाउट आज इसका जो भाव है मैं दिखा देता हूँ कि कितना चल रहा है। देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड 5 अप्रैल 2019 को 12:56 पे BSE पे जो ट्रेड कर रहा है, या 3,013 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और एक साल पहले के जो लो बनाया था 52 वीक लो 2495 का, और हाई था 3467 रुपये का, तो अपने हाई के आसपास पहुंच गया है ये। और तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो यहाँ पे वैल्यूएशन दी गई है तो जस्ट एक इन्फॉर्मेशन है, इट्स नॉट काइंड ऑफ यू नो किसी प्रकार का निर्णय दिया गया है। तो जब भी आपको मौका मिले या अगर गिरावट मिलता है तो भी आप लेते रहें, क्योंकि इसका जो जिस प्रकार से कंपनी की वैल्यूएशन है उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस कुछ नहीं है। और अभी ये स्प्लिट हुआ था, नहीं तो ये 5-6 हज़ार रुपये का होता मेरे ख्याल से, तो स्प्लिट होता तो उस हिसाब से प्राइस भी इसका करेक्ट हो जाता है, जिस हिसाब से स्प्लिट होता है जितने टुकड़े उस शेयर्स के होते हैं। तो जब भी आपको मौका लगे, आपको अपने पोर्टफोलियो में थोड़े शेयर्स रखने चाहिए जितनी आपकी क्षमता हो। FMCG का ज़बरदस्त है और इसके रिटर्न भी हम दिखाने वाले हैं। देखिए फाइनेंशियल ट्रेड यहाँ पे फ्लैट है, स्कोर है 1 का, और रिटर्न्स पे हम आ जाते हैं। रिटर्न देखिए यहाँ पे 10 सालों में इसने 2,1300% का रिटर्न दिया है, 5 सालों में 603% का रिटर्न दिया है, 4 सालों में 176% का रिटर्न है, 3 सालों में 128% का रिटर्न, 2 सालों में 78% का, और 1 साल में 19% करीब। ईयर टिल डेट में नेगेटिव पे है, लेकिन 6 मंथ में 10% का अगेन, 11% के 6 मंथ में रिटर्न है, और 3 मंथ में नेगेटिव हो, 1 मंथ में नेगेटिव हो, 1 वीक में है, और 1 डे में भी नेगेटिव है। तो ज़बरदस्त कंपनी देखिए, जिस हिसाब से 10 सालों में, 5 सालों में, 4 सालों में जिसके रिटर्न्स है फ्रेंड्स, तो ये ज़बरदस्त कंपनी है। प्लस ये बोनस भी अच्छा देती है, और मेरे विचार से अभी डिविडेंड अच्छा देती है। बोनस तो हम देख लेंगे कि देती है या नहीं देती है, कंपनी देना चाहिए। और अगर हम इसके सितंबर 18 से दिसंबर के क्वार्टर के रिजल्ट देखते हैं तो नेट सेल्स में देखिए यहाँ पे डाउनसाइड, माइनर से डाउनसाइड है 0.96% की। सितंबर में जो 2854 करोड़ की थी, दिसंबर में 2827 करोड़ की रह गई है, थोड़ी सी कमी यहाँ पे हुई है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ पे 0.57% की, जहाँ पे 454 करोड़ की थी यहाँ पे 451 की हो गई है। और नेट प्रॉफिट में यहाँ पे भी 0.75% की, जो 302 सितंबर 18 में थी वहीं 300 रह गई है दिसंबर 18 में, इसके जो नेट प्रॉफिट 300 करोड़ के आसपास। और मार्जिन में देखिए, मार्जिन बराबर ही है, बिल्कुल भी थोड़ा सा प्लस में ही है, तो मार्जिन जो है 15.83% के करीब, जो सितंबर 18 में थे 15.89%, थोड़ी सी इंक्रीजिंग है इनकी जो मार्जिन में, ये अच्छी चीज़ मानी जाती है, मार्जिन उन्होंने बराबर किया है। और शेयर होल्डिंग परसेंट में देखते हैं, देखिए प्रमोटर्स के पास है 50.66% के शेयर होल्डिंग, और एक भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे भर रखे हैं, देखिए 32 स्कीम्स ने पैसे लगा रखे हैं, FIIs ने 577, मतलब 650 के करीब, ज़बरदस्त इन्होंने पैसे भर रखे हैं, 16.28% की इनकी होल्डिंग है।
और देखिए हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 5.13% की ज़बरदस्त होल्डिंग है। और हम जैसे खुदरा जो ग्राहक है जो बाई करते हैं एक दो शेयर या 100 शेयर या 200 शेयर जितने भी खुदरा ग्राहक लेते हों 15.47% की यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं। अब ये देखिए 25 रुपये पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड इसने दिया 27 जुलाई 2018 को और 19 में भी देगी और पास्ट में भी हर साल देती आ रही है। ब्रिटानिया अपनी इंडस्ट्रीज़ में थर्ड नंबर पे है, FMCG से है, वाडिया हाउस से 1918 से देखिए काम कर रही है। 1918 मतलब आज़ादी से कितने साल पहले की है ना, 100 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है इस कंपनी को। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया। द कंपनी हैज़ लॉन्च वेरियस ब्रांड्स इन द बिस्किट्स, ब्रेड, केक एंड रस्क बिजनेस लाइक टाइगर, गुड डे, ब्रिटानिया ट्रीट, मैरी एंड मैनी मोर। अगर आपको और भी इसके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं आपको शर्दिया कहता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, आपको इसके स्टॉक्स कुछ ना कुछ तो कम से कम एक, अगर बहुत कम बजट है आपका तो एक दो स्टॉक्स ले ही लीजिए, महीने के भरते रहिए। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव लग रहा है तो हो सकता है कि कभी गिरावट आए तो वो तो अच्छा मौका होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि जल्दी गिरावट आएगी। और गिरावट आती भी है तो ये बाउंस बैक बहुत ज़बरदस्त जल्दी कर लेते हैं जैसे कि आपने देखा ही है। तो फ्रेंड्स चलिए आज आपको एक सेकंड हम आप बोनस भी ज़रा इसके दिखा देते हैं कि कितना बोनस कब दिया इसने। देखिए चार्ट पे यहाँ पे स्प्लिट हुआ था तो स्प्लिट में जो दो की फेस वैल्यू थी वहाँ से एक की फेस वैल्यू होगी 29 नवंबर 2018 को, तो ऑब्वियसली प्राइस करेक्ट हो गया होगा तभी यह 3000 पे शो कर रहा है। और देखिए मार्केट कैप है 72,424 करोड़ की और EPS है इसका 47 का, पी है 62 का, इंडस्ट्री पी 62 के करीब आसपास ही है, बुक वैल्यू 142.29 की और प्राइस टू बुक है 21.18 की, डिलीवरेबल है 57.50% करीब, बहुत जो कि ज़बरदस्त है। अब यहाँ पर देखिए इनके पास बैलेंस शीट में अगर हम टोटल कर्जा देखते हैं, टोटल डेट देखते हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेटेड हम देख रहे हैं। चलिए कंसोलिडेटेड टोटल डेट है 178 करोड़ का, जो कि इनके इनके लिए बहुत मामूली सी बात है ये कर्ज़ा जो है इनके लिए। देखिए नेट प्रॉफिट जो इनका दिसंबर 18 में आया 300 करोड़ के आसपास है, तो चाहे तो एक बार में ही ख़त्म कर सकते हैं है ना, तो उस हिसाब से कर्ज़ा तो नथिंग है। आइए और हम ज़रा एक बार वो देख लेते हैं बोनस बताइए, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हमारे कहते हैं कि बोनस भी बताया करिए कि हम बोनस के चार्ट पे जाते हैं लकब दिया था। ये देखिए यहाँ पे जो चार्ट पे अपडेट है कि इन्होंने 3-5 बार इन्होंने दिया हुआ है अभी तक का, एक 1987 में, 1990 में, 99 में और 6 अगस्त 2018 को इन्होंने एक शेयर पे एक दिया हुआ, जिसके पास 100 शेयर 200 हो गए, जिसके पास एक शेयर थे उसके 2 हो गए है ना। तो यहाँ पे बोनस भी देना शुरू कर दिया 2018 से फिर से कुछ सालों के गैप के बाद, तो जिसके पास शेयर्स होते हैं उसको डबल हो जाते हैं। तो अच्छी कंपनी है दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि आप मेरी आप ज़रूर इसको ख़रीदें और अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स लेने चाहिए, आपको लंबे समय के लिए बहुत अच्छा मुनाफा देंगे। हमेशा आप लॉन्ग टर्म पर्पज़ से ही सोचें ऐसी बड़ी दिग्गज कंपनियों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।